भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद पहुंचे। आगरा केंद्रीय मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने समाजवादी पार्टी पर जमकर साधा निशाना। आगरा की सभी विधानसभा सीटों को जीत करके योगी जी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जीत में जुटे। 2017 से पहले प्रदेश में बहुत दंगे हुए। समाजवादी सरकार में पुलिस चौकियों को फूंक दिया जाता था, उसके बाद भी नहीं होती थी कार्यवाही। योगी सरकार में गुंडों पर कार्यवाही हुई और जेल भेजा गया। योगी सरकार में माफियाओं से 200 करोड़ से अधिक संपत्ति को किया गया जब्त। और ऊपर से योगी सरकार ने भी प्रदेश की भी खजाना चिंता किए बिना गरीबों को अनाज देने का काम किया। पूरे 2 साल के दौरान कोविड के समय प्रदेश और केंद्र मोदी और योगी सरकार के द्वारा दोनों के द्वारा लगातार गरीबों को अनाज दे करके उनको जीवन रक्षा देने का काम किया। आखिर कैसे गरीब बोल सकता है। इस बार चुनाव में क्या तस्वीर अरुण सिंह की लग रही है, कितनी सीटें बीजेपी जीत पाएगी, क्योंकि जगह जगह बगावत और विरोध भी जो है कर रहे हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी का जो असेसमेंट है वह जमीन पे जाकर के सभी से सभी जनता से बात करने के आधार में मैं कह सकता हूं कि प्रदेश का गरीब, प्रदेश का पिछड़ा, प्रदेश का आदिवासी, प्रदेश का अनुसूचित समाज का व्यक्ति आज वह मोदी और योगी जी के साथ में है। और जब सारा का सारा वर्ग, महिला हो, युवा हो, और यह सारा वर्ग अगर एक पार्टी के पक्ष में होता है, मोदी और योगी के पक्ष में है, तो सीटों का आकलन करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर सीटें ऐसी आती है कि 300 के पार आती है। और इस बार भी आप देखिएगा, पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को 300 से अधिक सीटें प्राप्त होगी, यह मान के चलिएगा। यह पूरा प्रदेश भर में जिस प्रकार से अपना अखिलेश यादव ने अन्य संकल्प लिया है, कह रहे हैं कि इस बार जो प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, 400 सीट की बात कर रहे हैं। अखिलेश से मैं इतना पूछना चाहूंगा कि आपकी सरकार थी नल से जल, हर घर में नल से जल हो, पीने का पानी आपने क्यों नहीं दिया? आयुष्मान भारत का कार्ड क्यों आपने नहीं दिया कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिले? गरीबों को अनाज आपने क्यों नहीं दिया? किसानों का आपने कर्जा क्यों नहीं माफ किया? जो गन्ना किसान थे उनका समय पर भुगतान क्यों नहीं किया? यह तो आके अखिलेश जी को बताना ही पड़ेगा ना। और दो देखिए, ऐसा वो तो कहेंगे चांद से भी हम तारे भी तोड़ के ले आ देंगे, जब वो पहले 5 साल में किया क्या? आज जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सादर नमस्कार, आगरा और ब्रज से मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है और अधिकांश कार्यकर्ताओं को मैं जानता हूं। कई चुनावों में मैं काम किया हूं यहां पे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ लगे हैं और उनके मन में मोदी योगी और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सभी सीटें जीते और 300 से अधिक सीटें जीत करके, इस क्षेत्र की सभी सीटें जीत करके योगी जी के नेतृत्व में सरकार बने। यही क्षेत्र है जहां हमें ध्यान है कि 2017 से पहले दंगे होते थे आगरा में, दंगा, उसके बाद कोसी में दंगा, कोसी के बाद जब बढ़ते थे तो पिलखुआ में दंगा, अलग अलग स्थानों पे दंगे होते थे, 300 से अधिक दंगे होते थे। और ऊपर से जो एसपी और डिप्टी एसपी होते थे उनको समाजवादी पार्टी की सरकार के मंत्री द्वारा, जो कथित मंत्री जेल में है उनके द्वारा यह कहा जाता था कि कार्रवाई मत करो अल्पसंख्यक वर्ग के किसी भी कार्यकर्ता पे, कार्रवाई मत करो। लोग दहशत में रहते थे और फिर भी दंगे रुकते नहीं थे। पुलिस चौकियां फूंक दी जाती थी। पिलखुआ की पुलिस चौकी में घुस करके सीधे पुलिस चौकी को फूंक दिया गया, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं। महिलाएं हैं, लड़कियां हैं,
वह पूरा मुजफ्फरनगर सहारनपुर से लेकर के अलग अलग क्षेत्रों में वो दिन रात